गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि प्रोजेक्टिव टेस्ट को टेस्ट का मतलब क्या लाभ हो सकता है और क्या मतलब हानि है। तो लाभ अलाभ की ही बात करेंगे कि प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या क्या लाभ है। तो सबसे इसका कुछ प्रमुख लाभ की बात करेंगे। तो इसके लाभ पर यदि हम बात करें तो एक प्रोजेक्टिव प्रविधि जो है के द्वारा जो है व्यक्ति के एक अचेतन या फिर संज्ञानात्मक या फिर संवेगिक अनुभूति के बारे में जो है कुछ ऐसी मतलब सूचनाएं मिलती है जिन्हें कि अन्य परीक्षण से प्राप्त या फिर करना संभव नहीं है। इस परीक्षण में जो है क्लाइंट के द्वारा अपने वातावरण के किए गए जो है एक मतलब अनोखे जो है प्रत्यक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना प्रदान किया जाता है। और इस टेस्ट में जो है मतलब प्रोजेक्टिव टेस्ट में कि परिस्थिति कुछ ऐसी होती है जिसका कुछ क्लाइंट को जो है व्यक्तित्व या फिर आविष्कार कार्य का जो है कि परिस्थिति की तुलना में बातचीत करना फिर या उसके अधिक स्वाभाविक या फिर आरामदेह महसूस करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जो प्रोजेक्टिव टेस्ट द्वारा जो है व्यक्ति का एक किया गया जैसे मानव इसका एक मापन अधिक मतलब विश्वसनीय होता है। और उसमें इनके लाभ के बावजूद भी 1970 के दशक में नैदानिक परिस्थिति में एक मतलब कि परीक्षणीय प्रविधि के लोकप्रियता लोक जो है प्रियता काफ़ी कमी है क्योंकि यह शोध जो है शोध के जो एक अध्ययन की तरह मतलब कुछ खामियां इसमें निकाला गया कि वो उसका जो जिससे हमारे मतलब एक खामी का संकेत मिला जो कि इसके लाभ का यदि हम चर्चा करें तो एक गुण होने के साथ साथ इसका मतलब अवगुण भी है। तो अवगुण पर यदि हम बात करें तो इसमें एक मतलब कहा गया है कि एक प्रोजेक्टिव टेस्ट का जो एक प्राप्तांक है वो जो है स्कोरिंग या फिर मतलब कि क्या इसका मतलब क्रियान्वयन की विधि में एक मतलब कि एक मानकीकरण की पर्याप्त जो है कमी है जिसकी विश्वसनीयता पर बुरा असर पड़ता है। तो इस तरह से कुछ मतलब कि प्रोजेक्टिव प्रविधि जो है विशेषकर रोसार्क परीक्षण बहुत ही समय लेने वाली प्रविधि है क्योंकि इसका उपयोग जो है नैदानिक या फिर मनोवैज्ञानिक नहीं करना चाहता है। दूसरा है कि डाइवेस ने भी 1974 में अपने अध्ययनों के आधार पर यह बताया था कि प्रोजेक्टिव विधि का वैधता जो है एक मतलब नेगेटिव है नकारात्मक है। और उसके बाद यह विधि जो है इसका मतलब कि स्कोरिंग की जो है विश्वसनीयता की व्याख्या जो है काफ़ी कम दिया गया है। और इनके मतलब कि अलाभ की बात करें अवगुण के बावजूद भी प्रोजेक्टिव टेस्ट का उपयोग जो है नैदानिक मूल्यांकन की में काफ़ी मतलब काफ़ी किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्टिव टेस्ट के मतलब कि लाभ के साथ साथ गुण के साथ साथ अवगुण भी है। फिर भी इस टेस्ट को मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी मात्रा में इसका टेस्ट किया जाता है। तो थैंक यू।